मूसियाले की मौत को आज कई दिन बीत चुके हैं, पर उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं गई। हर दिन कोई नया नाम सामने आ जाता है, पर पुलिस के हाथ में कोई भी कामयाबी नहीं लगी। हर तरफ बस यही मांग चल रही है कि जल्द से जल्द सिद्धू के कातिलों को पकड़ा जाए। पूरे देश भर में सिद्धू की मौत का मातम मनाया जा रहा है। इन सब बातों के बीच पंजाबी सिंगर मनकीर तौलख का भी नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि मनकीर तौलख के मैनेजर का भी इसमें हाथ था, और कई जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है कि मनकीर तौलख बिश्नोईया गैंग से मिले हुए हैं, और मनकीर तौलख ही सिद्धू मूसेवाले की सारी जानकारी बिश्नोईया। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते। दरअसल बात ऐसी है कि 2016 की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें मनकीर तौलख और लॉरेंस बिश्नोईया साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं मनकीर तौलख के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मनकीर तौलख एक पंजाबी सिंगर है। इनका निकनेम है मनी, और ये प्रोफेशन से एक सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मॉडल और एक्टर हैं। इनका वेट 80 केजी है, आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1990 में हुआ था, और अब इनकी एज है 32। इनका बर्थ प्लेस है बहलपुर, फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया। नेशनैलिटी है इंडियन, और अपनी स्कूलिंग बहलपुर में करने के बाद ये चंडीगढ़ चले गए, और फिर इन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में अपनी अगली पढ़ाई की। इनका रिलीजन है सिखिज्म, कास्ट है जट, और ये नॉन वेजिटेरियन है। इनकी हॉबीज है गेमिंग, ट्रैवलिंग, प्लेइंग कबड्डी और हॉकी। और अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये अनमैरिड हैं, और इनके फादर का नाम है निशांत सिंह, जो कि एक फार्मर हैं। इनका एक ब्रदर है जिसका नाम है रवशीर सिंह। इनका फेवरेट फूड है सरसों का साग और बटर चिकन। फेवरेट एक्टर है संजय दत्त, सलमान खान, अक्षय कुमार और गग्गू गिल। फेवरेट सिंगर है गुरदास मान, एमी विर्क, निशवान पुलर। फेवरेट कलर है ब्लैक, और फेवरेट स्पोर्ट है कबड्डी। तो अगर बात की जाए इनके कैरियर की, तो इनका फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग 2013 में दर्शन करके आया था, और इनकी फर्स्ट फिल्म 2016 में मैं तेरी तू मेरा आया था, और 2016 में इनका सॉन्ग आया था गल्ला मिठियां, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। इनकी वजह से इन्हें एक अवार्ड भी मिल चुका है, और अब इनका सॉन्ग आया था पाकिस्तान, जो कि 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये अल्कोहल भी पी लेते हैं, और ये कबड्डी के प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका सिद्धू की मृत्यु से कोई भी संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर इनका नाम आने के बाद इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मेरा इस मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है, और मुझे खुद को भी इतनी सारी धमकियां आ रही है। दरअसल बम्बिया ग्रुप इनको धमकियां दे रहा है। उनका कहना है कि सिद्धू का हमारे साथ कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन अगर आप सिद्धू की मौत का हमारे गैंग के साथ संबंध जोड़ रहे हो तो हम इस बात का बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।